कपाला, पूरी होने वाली है तेरी साधना। अब बलि चढ़ाओ अंधेरे के राजा तपराज किलमिश को, काले देव की काली बलि। आजा काली बलि, काली बलि, चढ़ जा काले देव को और पूरी करवा दे कपाला की साधना। पूरी हुई तुम्हारी साधना, वो है उसका फल शक्ति खींचक यंत्र। इसे पहनकर तुम अजय हो जाओगे। तुमसे लड़ने जो भी तुम्हारे सामने आएगा, उसकी सारी शक्ति ये यंत्र खींचकर तुम्हारे शरीर में डाल देगा। जय धनराज किलमिश, जय। कपाला, देख तुझे शक्ति खींचक यंत्र मिल गया, उठा ले इसे। कपाला, अब तू सर्वशक्तिमान है, कोई नहीं टिक सकता तेरे सामने। जो भी कोई तेरे सामने तुझसे लड़ने आएगा, ये शक्ति खींचक यंत्र उसकी सारी शक्ति खींच लेगा। कपाला देख, गजराज, गजराज तुझसे लड़ने आया है, हार जाएगा। तू हार जाएगा। कपाला, अब तेरे हाथों में एक हाथी की शक्ति है। कपाला से लड़ने आया था, हार गया। सुन, सुन कपाला, उल्लक याने तेरे लिए जाने का संदेशा, मतलब जाना होगा। जैसे भी हो, हमें शक्तिमान के बारे में पूरा पता लगाना होगा। आज बच्चा बच्चा जानना चाहता है कि शक्तिमान कौन है और वो ये सब कैसे कर सकता है। वो कहां से आया है, उसके माँ बाप कौन है, उसकी कोई गर्लफ्रेंड है कि नहीं, वगैरह वगैरह। और अपने रीडर्स को शक्तिमान के बारे में पूरी जानकारी देना, ये हमारा फर्ज है। सर, यही फर्ज तो शहर के सारे न्यूज़पेपर्स अदा करना चाहते हैं, पर ये कोई आसान काम है क्या? आसान काम हो या मुश्किल, मैं सिर्फ इतना जानता हूँ कि शक्तिमान हमारी स्टोरी है, इट्स अवर बेबी। उसके बारे में सबसे पहली खबर हमारे अखबार में छपी थी, और आज कोई और आके वो बाजी मार ले जाए, हमारे लिए शर्म की बात। इसीलिए मैं आप सबको कहता हूं कि शक्तिमान के बारे में ज्यादा पता लगाओ।
लेकिन ये कैसे हो सकता है सर? शक्तिमान पर सिर्फ मेरा हक है। आई मीन वो न्यूज मैं लेकर आई थी और इलेक्ट्रिक मैन की स्टोरी भी मेरी है, तो कोई दूसरा शक्तिमान पर कैसे काम कर सकता है? मिस गीता विश्वास, आपने अभी तक शक्तिमान के राइट्स रिजर्व नहीं करवाए, इसलिए कोई भी शक्तिमान के बारे में पता लगा सकता है। लेकिन मेरा दावा है सर कि कोई भी शक्तिमान के बारे में पता नहीं लगा सकता है सिवाय मेरे। आई थिंक गीता कि इस काम में तो तुम्हें भी मुश्किल होगी, क्योंकि अभी तक ये कोई नहीं जानता कि शक्तिमान को बाहर कैसे निकाला जाए। एक सुझाव, ये कार्य आप हम पर छोड़ दें। आप क्या करेंगे? हम दो चार सहस्त्र मच्छर शक्तिमान के घर पर छोड़ देंगे, वो स्वयं बाहर आ जाएगा। नहीं, लेकिन गंगाधर बाबू, क्या आपको शक्तिमान के घर का पता मालूम है? ये कौन सा कठिन कार्य है बंधुवर? हम अभी पत्र लिखकर शक्तिमान से पूछ लेते हैं कि वो कहाँ रहते हैं। क्यों देवी? यहाँ तो आपका बड़ा ही उत्तम है मिस्टर गंगाधर, लेकिन मेरे ख्याल से पत्र लिखने की बजाय अगर आप टेलीग्राम भेज दें तो काम ज्यादा जल्दी हो जाएगा। आप हमारा उपहास कर रही हैं देवी जी, देखना हम आपसे पहले ही शक्तिमान का पता ज्ञात कर लेंगे। जी हाँ, आप अपना पता नहीं लगा सकते। आप हमारी योग्यता को ललकार रही हैं देवी जी। बस यही समझ लीजिए, अगर हमने शक्तिमान का पता पहले लगा लिया तो फिर हमें क्या लाभ होगा? होगा गंगाधर, तुम्हें भी लाभ होगा। अगर तुमने शक्तिमान का पता लगा लिया तो मैं तुम्हें फोटोग्राफर से रिपोर्टर बना दूंगा। धन्यवाद, और तुम्हारी जॉब भी परमानेंट हो जाएगी। हाय, फिजूल में अपना टाइम वेस्ट कर रहे हैं सर, ये सारी जिंदगी शक्तिमान का पता नहीं लगा सकता है। गीता, अगर गंगाधर ने तुमसे पहले पता लगा लिया तो वो तुमसे अच्छा साबित होगा। हाँ, देखते हैं मिस्टर गंगाधर कौन शक्तिमान का पता पहले लगाता है। देखिएगा देवी जी, कहीं शक्तिमान का पता लगाते लगाते आप स्वयं ही ना कहीं खो जाए। बेवकूफ। कपाला अभी शक्तिमान को खत्म कर देता है। सिर्फ एक शक्तिमान नहीं है कपाला। तो कितने हैं? बहुत सारे। मतलब शक्तिमान तो एक ही है, लेकिन बहुत से लोगों के दिलों में बस चुका है। इसलिए सबसे पहले उन लोगों के दिलों से शक्तिमान को निकालो। लोगों को थोड़ा डराओ, शक्तिमान को थोड़ा नचाओ। लोगों को गलत फहमियों का शिकार बना दो। जब उनके दिलों से शक्तिमान खत्म होने लगे तब शक्तिमान को खत्म कर दो। उसे मारो, पर हीरो बनाकर नहीं, विलेन बनाकर। कपाला, तू शक्तिमान को मारेगा मगर पहले लोगों को डराएगा, ऐसा डराएगा कि डर भी तुझसे डरने लगे। फैला देगा कपाला शहर में भ्रम का जाल, ऐसा जाल कि लोग सांस लेते हुए डरे। ऐसा भ्रम कि शक्तिमान खुद अपना पता भूल जाए। देखिए इंस्पेक्टर, अगर शहर में कोई हादसा हो तो आप मुझे जरूर ऑफिस पर फोन कीजिएगा, क्योंकि मुझे पूरा यकीन है कि उस हादसे को रोकने के लिए शक्तिमान जरूर आएगा और मुझे शक्तिमान का इंटरव्यू चाहिए। जी आप मेरी ये मदद करेंगे जी, मुझे बहुत बड़ा फायदा होगा। थैंक यू वेरी मच। आप गीता विश्वास हैं? जी। मेरा नाम चमन लाल है, मैं आपको एक बहुत बड़े फायदे की बात बता सकता हूँ। लेकिन मुझे किसी नुकसान से भी कोई फर्क नहीं पड़ता। देखिए मैं आपको शक्तिमान के बारे में बहुत कुछ बता सकता हूँ। शक्तिमान के बारे में क्या जानते हैं? अजी मैं क्या जानता हूँ, छोड़िए, मैं इतना जानता हूँ कि जो मैं जानता हूँ वो आप नहीं जानती, मगर आप जो जानती हैं वो मैं भी जानता हूँ। मतलब? जाने दीजिए, अगर आप नहीं जानना चाहती तो मैं जाता हूँ। नहीं नहीं नहीं, रुकिए रुकिए, आइए बैठिए, मैं सुनना चाहती हूँ। बताइए आप शक्तिमान के बारे में क्या जानते हैं? वाह मैडम, ऐसे ही मुफ्त में आप लोग जानकारी देने की कीमत लेते हैं और मुझसे सब कुछ फ्री में जान लेना चाहती हैं। पहले आप ये तो बताइए कि आपकी जानकारी क्या है, फिर मैं वादा करती हूँ कि मैं उसकी पूरी कीमत दिलवाऊंगी। ओके? देखिए मेरा गला कुछ सूख रहा है, पहले गला जरा कुछ तर करके आता हूँ। बैठिए बैठिए, मैं यहाँ मंगवाती हूँ। बांकेलाल,
जी मैडम। ये किसके लिए है? एडिटर साहब के लिए मैडम जी। एक चीज करो, कोल्ड ड्रिंक यहाँ रख दो। कुछ मैडम? हाँ जी बताइए, आप शक्तिमान के बारे में क्या जानते हैं? देखिए, दरअसल जिसे आप शक्तिमान समझती हैं, वो शक्तिमान नहीं, एक शैतान है, एक दुष्ट आत्मा है। दुष्ट आत्मा? लेकिन वो तो लोगों की मदद करता है। जी नहीं, वो विलन है, बहुत बड़ा खुफिया एजेंट है। जिसे आप शक्तिमान समझती हैं, वो अकेला नहीं है, उसके साथ उस जैसी सैकड़ों दुष्ट आत्मा है, जिनका मकसद सारी दुनिया को तबाह करना है। और देखना, एक दिन वो पूरी दुनिया को अपने कब्जे में ले लेंगी। मैं इन दुष्ट आत्माओं के बारे में बचपन से बहुत कुछ जानता हूँ। दुष्ट आत्माओं के बारे में आप यकीनन बहुत कुछ जानते हैं, लेकिन शक्तिमान के बारे में आप कुछ नहीं जानते। एक्सक्यूज मी। विनाश, चमनलाल, यहाँ भी नहीं गली तेरी दाल। अच्छा, तो अब तू, तुम्हारा मतलब है कि शक्तिमान तुम्हारा दोस्त है? हाँ, शक्तिमान को सबसे पहले मैंने ही देखा था। लेकिन अप्पू, तुम्हारी दीदी ने तो अखबार में लिखा है सबसे पहले उनने शक्तिमान को देखा। मैंने उनको जाकर बताया था। अप्पू रियली? अगर तुम्हें बिलीव नहीं होता है तो मेरी दीदी यहाँ पे आने वाली है मुझे लेने के लिए, उन्हीं से पूछ लेना। आई थिंक बोथ ऑफ यू आर क्रेजी। देखना, अभी इसकी दीदी आकर कहेगी हम लोग दोनों ने साथ में देखा था। अगर तुम लोग मेरी बात नहीं मानते हो तो मत मानो, मेरा क्या है। ठीक है भाई, मान ली तेरी बात, अब खुश। पहले बच्चों में भ्रम फैलाएगा, बड़ा मजा आएगा, खूब धूम मचाएगा। Thank you.
राक्षस? शक्तिमान तुम? घबराओ मत, कुछ नहीं हुआ है, वो तुम्हारा भ्रम था। भ्रम मतलब कई बार हमारे साथ ऐसा होता है कि हम किसी चीज में इतना खो जाते हैं कि हम हकीकत को भूलकर उसमें जीने लगते हैं, उसे महसूस करने लगते हैं। तुम्हारे साथ भी ऐसा ही हुआ था, मेरे साथ भी ऐसा हुआ है। अच्छा शक्तिमान, क्या तुम भी हमारे तरह इंसान हो? हाँ बिल्कुल। तुम्हारा दिल भी हमारी तरह धड़कता है? हाँ। दिखा। देख लो। हाँ सचमुच, पर मजा नहीं आया। क्यों भाई? सुपर हीरो का दिल आम इंसान जैसे धड़के मजा नहीं आता, उसका दिल तो जोर जोर से धड़कना चाहिए। ऐसे दो चार टन सब्जियां, 100-150 लीटर दूध, 500-600 दर्जन केले संतरे अनार चीकू। हाँ अगर सुपर हीरो इससे कुछ कम खाए तो तुम लोगों को मजा नहीं आएगा ना। शक्तिमान बता ना क्या खाते हो? सादा पौष्टिक आहार। क्या मतलब? मतलब ये कि हरी सब्जियां, दूध, ताजे फल और ऐसी ही ताकतवर चीजें। क्या बात करते हो, ये सब तो हम भी खाते हैं। और ये सब खा के तुम इतने पावरफुल कैसे बन गए? क्यों नहीं, कोई भी मेरी तरह बन सकता है, मगर उसके लिए चाहिए कड़ी साधना। कौन साधना? अरे बुद्धू साधना को नहीं जानता, वही पुरानी फिल्मों की हीरोइन। नहीं, 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 वो नहीं। साधना का मतलब होता है एक्सरसाइजेस, शारीरिक और दिमागी तौर की एक्सरसाइजेस, जैसे कि मार्शल आर्ट्स, योगा, स्विमिंग, जिम, एथलेटिक। इतनी सारी एक्सरसाइज? नहीं पापा नहीं, हमसे हमारे स्कूल का होमवर्क नहीं होता, एक्सरसाइज कैसे करेंगे? सोच लो, अगर मेरी तरफ बनना है तो होमवर्क के साथ साथ ये सब तो करना ही पड़ेगा। करोगे? तो ठीक है, तुम लोग सोच लो, मैं चलता हूँ। एक मिनट शक्तिमान, एक मिनट। शक्तिमान, हम सब मिलके तुम्हारा फैन क्लब शुरू करें तो तुम हमारे क्लब में आओगे? सोचेंगे। नहीं बताइए ना शक्तिमान, प्लीज बताइए ना। अच्छा एक बात बताओ, यह कौन है मेरा फैन? हाँ सर, मेरी दीदी भी आपकी फैन है। तुम्हारी दीदी? अच्छा देखो बच्चों, मेरे फैंस बनने के बजाय सच्चाई के फैंस बनो, क्योंकि सच्चाई के फैंस का खुद शक्तिमान भी फैन है, समझे? दिखाता हूँ।